सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय रख दी बनने के लिए। चाय अच्छे से खोल चुकी है, इसको छान के सबसे पहले सबको दे देते हैं। और अभी मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि सबसे पहले बच्चों का स्कूल था, टेस्ट परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों का। तो चाय, बिस्किट या फिर ब्रेड, नमकीन जो भी उनको पसंद आता है अपने मन से खा के स्कूल चले जाते हैं बच्चे। सो बच्चे चले स्कूल, उसके बाद घर के काम शुरू होते हैं और जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो बच्चों का स्कूल 7:30 से शायद रहता है, लेकिन बच्चे घर से 6 बजे निकल जाते हैं। अभी हमारी कॉलोनी में ना कोई जगह रहता है ना कोई सो के उठा रहता है, तब तक हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। क्योंकि बच्चों को बस से जाना होता है तो इसलिए उनको 1.5 घंटा पहले निकलना होता है। यहाँ पे एक कटोरी राजमा था, इसमें थोड़े से खड़े मसाले जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता डाला है, और ये थोड़ा सा मूंग हमारे पास बचा था तो मैंने मूंग को एक टिफिन में करके रख दिया है। अगर मैं टिफिन में नहीं रखती मूंग को तो ये मूंग काले हो जाते, क्योंकि राजमा काला है तो उसका कलर मूंग पर चढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसको टिफिन में रखा है। तो मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ, उसमें 2-3-4 सीटी लीजिए आप। ये काले वाले जो राजमा होते हैं ये जल्दी पकते नहीं, इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इसमें 2 सीटी लगाने का इसको धीमा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये धीमी धीमी आंच पे पक जाएगा। राजमा काला वाला जल्दी पकता नहीं, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और सफ़ेद वाला राजमा जो होता है वो बहुत अच्छे से 2-3 सीटी में गल जाता है। तो यहाँ पर हमारा राजमा एक तरफ धीमी धीमी पक रहा है और मैंने दूसरी तरफ रख दिया है पानी। और आपको दिखाते हैं 10 मिनट बाद, इसको खोलने के बाद इसको दिखाते हैं कितना अच्छे से गल गया। ये देखिए इतना बढ़िया, जब राजमा गल जाए ना तभी इसकी जो ग्रेवी हम बनाते हैं ये अंदर तक जाता है। और यहाँ पे जो हमने मूंग उबाला था ये देखिए एकदम कलर इसका खिला खिला है, काला बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब इसको हम दोनों में एक साथ रख के ढक देते हैं और इसकी आज हम सब्ज़ी बनाएंगे। ये बचा हुआ थोड़ा सा राजमा था, राजमा खाने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा राजमा भिगो देते हैं, पर मैंने देखा तो थोड़ा सा राजमा था। मैंने कहा अब आज भिगो ही देते हैं, देखते हैं आगे अगले दिन कुछ दिमाग लगाएंगे तो जैसा भी होगा देखेंगे कैसे बनाना है। पर राजमा खाना है तो बस खाना है, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा सा हो। सो मैंने रख दिया उबलने के लिए और गुनगुना पानी पी लेते हैं। आजकल मुझे नाश्ता करने की भूख नहीं लगती, जैसे क्या होता है ना सुबह उठ करके आजकल सबसे पहले चाय पी ले रही हूँ। मुझे पता होता है कि सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, पहले सुबह उठती हूँ, ब्रश दवाई लेती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, फिर थोड़ा सा सादा सिंपल पानी पीती हूँ। और सुबह के टाइम आजकल जल्दी चाय बन जा रही है सो मैं 2 घूंट पी लूँ, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं अपना ये पानी ले रही हूँ। और घर के सारे काम निपट चुकने के बाद जैसे झाड़ू पोछा और थोड़े बहुत जो इधर उधर के बिस्तर और बच्चों के कपड़े उपड़े होते हैं जो धुलने के, इन सब कामों के बाद फिर भगवान के पास अपनी हाजिरी लगा देना होता है। धूप बत्ती, दीप बत्ती और मंत्र जपते हुए मन में बस भगवान की पूजा कर लेनी है, उसके बाद फिर से वही काम शुरू हो जाते हैं किचन के। तो मैंने सोचा चलो दोपहर का फटाफट से लंच बना देते हैं। तो ये बड़े वाले चावल थे, अभी तो सब्जी के बारे में मैंने सोचा नहीं कैसे बनाऊंगी कैसे नहीं बनाऊंगी। मैंने सोचा चलो चावल को धुल करके इसको फूलने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ये 1 घंटे 1.5 घंटे पहले धुल के इनको रख दो ना, तो ये जब पकते हैं ना तो बहुत ही मुलायम सॉफ्ट चावल बनते हैं। और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक और 1 से 2 बूंद आप घी की बूंदें डाल देना तो चावल इतना खिला खिला रहता है। हाँ, अगर आपको चावल को व्हाइट बनाना है तो आप उसमें नींबू भी 1-2 बूंद डाल सकती हैं, उससे चावल एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनेंगे। और हालांकि ये सारी प्रक्रिया कभी कभार मन होता है तो कर देती हूँ और कभी कभार नहीं मन होता तो सिर्फ नमक और घी या फिर कभी कभी सिंपल भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं चावल को भी सिंपल नहीं बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची इन सब का पेस्ट बना लेते हैं। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और प्याज और मिर्ची और लहसुन को मैं बारीक मतलब पेस्ट बनाऊँगी। और टमाटर मैंने 2 लिए हैं, इनको भी मैं प्यूरी बनाऊँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको प्याज को मैंने पीस लिया है, अब सेम इसी जार में टमाटर को भी पीस लेते हैं। ये चटनी वाला जार है, मैं सोचती हूँ ना इस चटनी वाले जार में बहुत अच्छे से ये प्यूरी बन जाती है। बड़े वाले जो जार होता है ना इससे थोड़ा सा बड़ा वाला जो जार होता है वो क्या होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा रहे या फिर पानी डालो तभी वो पिसता है। तो चलिए ये मसाले की तैयारी हो चुकी है, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें 3 चम्मच सरसों के तेल डाले हैं, हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च तड़के में डाली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कद्दूकस करके अदरक रखी है उसको डाला है, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी, आप बनाइएगा कभी, ट्राई कीजिएगा। कभी कभार हमारे किचन में क्या होता है ना थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें ग्रोसरी की हुई या फिर सब्जी की हुई तो बच जाती हैं, अब उन सब्जियों को जब मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। यहाँ पे मैंने राजमा मसाला लिया है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, तो आज मैं कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालूंगी। और राजमा मसाला 2 चम्मच भर करके मैं डालूंगी, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच राजमा मसाला और कोई मसाला नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ राजमा मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च,
थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस 3 मसाले जाएंगे आज की सब्ज़ी में। लेकिन आप लोग बनाइएगा, बनाते भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग बनाते नहीं होंगे, लेकिन हाँ अब मेरी रेसिपी है तो फिर मुझे तो बताना पड़ेगा कि आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और मेरी रेसिपी में सबसे खास बात क्या होती है ना कि मैं अपनी रेसिपी में तेल बहुत कम डालती हूँ। आप 2 चम्मच तेल में भी बना सकते हैं, 1 चम्मच तेल में बना सकते हैं, और या फिर बिना तेल के भी बना सकते हैं। ये वाली सब्ज़ी पूरा मसाला पक जाएगा लेकिन आपको तेल कहीं दिखेगा नहीं कढ़ाई में, क्योंकि हमने तेल बहुत कम डाला है। तो बस मैंने मसाले को डाल दिया है, जो टमाटर की प्यूरी थी, राजमा मसाला, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसकी एकदम से इसका डार्क कलर ना आ जाए, मतलब एकदम अच्छे से सूख ना जाए प्यूरी का पानी अच्छे से। उसके बाद इसको ढक करके छोड़ देते हैं, देखिए इतना अच्छा कलर आया है। उसके बाद मैंने शाम को आलू बॉयल किया था, 2 आलू मेरे पास बची हुई थी। तो ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए आलू को मैंने ग्रेट करके उसमें डाल दिया, और मसाले के साथ खूब अच्छे से इसको आलू को भी भून देंगे। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी और स्वाद भी मतलब अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद जो मैंने राजमा और मूंग उबाल करके रखा था उसको ऐड कर दिया, पानी से ही ऐड किया, पानी फेंका नहीं। और इसमें जो खड़े मसाले हैं चाहे तो आप इस समय निकाल दें क्योंकि इनका फ्लेवर आ चुका है, लेकिन फिलहाल हमने निकाला नहीं, मैंने सोचा रहने दो, खुशबू ही आएगी, महक भी आएगी, और रहने देते हैं। बस पानी इसमें मैंने गरम ऐड किया है, जब भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं तो इसमें पानी गरम ऐड करें। स्वाद अनुसार नमक ज़रूर ऐड करें आप लोग। नमक मैंने पहले भी ऐड किया था, थोड़ी सी बाद में भी ऐड किया, तो पहले जो नमक ऐड किया उसको आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया, इसमें डाली है थोड़ा सा घी, आधी चम्मच के लगभग घी। इसमें खड़े गरम मसाले डाले, जैसे इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और जीरा डाला है, 1 तेज़पत्ता डाला है। इन सबको अच्छे से भून लेते हैं, खूब अच्छे से, खूब महक आती है जब ये इस वाले चावल को बनाते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी मटर के दाने भी डाल सकती हैं, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकती हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। वैसे अभी मटर का सीज़न है नहीं है और फ्रोजन मटर हमारे पास अवेलेबल थी नहीं, ऐसा नहीं कि हम फ्रीजर में रखते हैं मंगा के। जब ज़रूरत होती है कभी मटर पनीर बनाने की तो आती है, फिर उतना ही आती है जितना बना के ख़त्म कर लेनी होती है। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, बताती हूँ ना, नमक, देसी घी और नींबू डालो तो चावल बहुत अच्छे से खिले खिले बनते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी में भूना ही था, मैंने स्वाद के अनुसार मतलब क्या चुटकी भर मैंने नमक डाली है, पिंच भर, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा देना है। 1 सीटी में आपका चावल अच्छे से बन के खिला खिला तैयार हो जाएगा। और चावल अभी से ही देखने में इतने सुंदर हैं तो खाने में कितने बढ़िया होंगे। तो बस इसका मैं ढक्कन लगा देती हूँ और 1 सीटी लगने देती हूँ। इधर हमारी सब्ज़ी बन रही है, इधर चावल। फटाफट से मैं आटा गूँथ लेती हूँ, अपने लिए मैंने मक्की का आटा गूँथा है। मक्की का आटा गूँथने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का प्रयोग करें। गुनगुने पानी से क्या होता है ना, आटा हमारा अच्छे से गूँथ जाता है। जब हम रोटियाँ बनाते हैं तो बेलते समय ना रोटियाँ मतलब बनती नहीं है, इधर से उधर से फट सी जाती हैं रोटियां। जब हम गुनगुने आटा गुनगुने पानी से आटा लगाएंगे ना तो रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। सो मैंने अपने लिए तो आटा गूँथ के अलग रख दिया है और सबके लिए मैंने गेहूं का आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है, अपने लिए मक्की का आटा। ऐसा नहीं है कि मैं गेहूं का आटा नहीं खाती हूँ, खाती हूँ, आटा भी खाती हूँ, चावल भी खाती हूँ, और आजकल मेरा वज़न भी मेनटेन है, 71 साढ़े 71 पे ही टिका हुआ है। पहले मैं जब ये डाइट वाला खाना छोड़ देती थी, मतलब सब कुछ खाने लगती थी, तो वज़न बढ़ जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब वज़न बिल्कुल बढ़ता नहीं है, मतलब चीज़ कंट्रोल होता है ना, 1 से 2 रोटी खाना है, थोड़ा सा चावल खाना है। तो जब हमें ये पता होता है कि हमें इतना खाना है और इतने खाने से हमारा काम चल रहा है, मतलब हम ठीक ठाक हैं, तो फिर ठूस ठूस के 4-6 रोटी क्यों खाना। और यहाँ पे राजमा में मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है, मक्खन का स्वाद इतना बढ़िया लाजवाब आएगा बनने के बाद। अब मक्खन डाल के इसको ढक दें, अच्छे से मिक्स कर दें, और मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ ग्रेवी कितनी ज़्यादा गाढ़ी है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि 1 कटोरी राजमा था, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, अच्छी। अभी बज चुके हैं 12:30 बज रहे होंगे। आज मैंने नाश्ता नहीं किया था, कुछ भी नहीं खाया था नाश्ते में मैंने। मैंने सोचा चलो भाई दोपहर का लंच कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो आज मैंने थोड़ा सा चावल ज़्यादा लिया है, रोटी मैंने 2 ली है, थोड़ा सा खीरे का सलाद लिया। आजकल ना मेरा खीरा खाने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों अलग सा खीरा आ रहा है, स्मेल सा कर रहा है, पता नहीं क्यों
फ्रिज में रखे रखे बहुत ज़्यादा दिन हो रहा है या फिर मार्केट से ही ऐसा आया था, बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था। सो मैंने दो रोटी ली है, राजमा लिया है, राजमा बहुत बढ़िया बना था। मैंने जैसे बताया था ना कि कुछ सब्जियां जो बच जाती हैं ना उनको मिक्स करके बनाओ तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। बच्चे भी बता रहे हैं कि राजमा बहुत बढ़िया बना है मम्मी। मैंने कहा हाँ, और दही तो हमारी जान है, प्राण है, बिना दही के हमारा खाना पूरा होता नहीं। अगर घर में है तो दही मुझे चाहिए चाहिए, दही और गुड़, उससे के साथ ना एक रोटी तो ज़रूर खानी होती है। और शाम को बस वही रूटीन होता है, चाय वाय बनाना होता है, तो कभी कभार गोलू चाय बना देते हैं, कभी कभार मैं बना देती हूँ। उसके बाद मैंने वॉक पे निकल गई थी। मौसम बहुत अच्छा आजकल हो रहा है, और हाँ हल्की हल्की ठंडी भी शुरू हो चुकी है। जितनी ज़्यादा गर्मी थी ना उतनी ज़्यादा गर्मी रह नहीं गई, हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो चुकी है। अच्छा लगता है जब इस तरीके से मौसम होता है। और फिर जब ठंड शुरू हुई तो मैंने मोटे कपड़े निकाल के थोड़ा सा पहनने लगी, राहत मिल गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और मुझे पता है जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना उतनी ही ज़्यादा ठंडी भी पड़ेगी। और टहल करके जो सुकून आ रहा है इस टाइम पे ना, वो तो मतलब ये टहलने वाला भी जानता होगा, खुली हवा में टहलना। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। पद्देव जी ने खास करके बोला है कि अब वजन कम करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अभी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, मैं छत पे आई थी, बस मैं वॉक करके और छत पे आ गई थी क्योंकि मुझे करनी थी वीडियो अपलोड। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, और यहाँ से देखिए छत से वो नौका विहार वाला गेट कितना सुंदर दिख रहा है कि क्या ही बताएं। कैमरे में छोटा दिख रहा है पर मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ से। तो मैंने सोचा चलो वीडियो अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं और शाम को काम थोड़े कम होते हैं। यहाँ से मैं चलूँगी तो दूध गर्म करूँगी, डिनर बनाऊँगी, और शाम के टाइम छत से नज़ारा इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, ऐसे टिमटिमाते हुए लाइट वगैरह बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मैं वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, और मेरे सोनाली मोनाली भी आए हैं दोनों साथ में। और ये जो नौका विहार की तरफ गेट जाता है, नौका विहार, ये इतना सुंदर लग रहा है ना रात में कि क्या ही बताएं, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने पे। होते हो कदम कदम बढ़ाए जा, दिल के गीत गाए जा। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9:15 हो चुके हैं। रात का सबका डिनर बनाया, खिलाया, बर्तन धुला और सारे काम हो चुके हैं। मैं बाहर आके थोड़ी देर बैठी थी, मैंने सोचा बाहर बैठती हूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खाती हूँ पराठा लगा के। और बाहर भी मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए बाहर पूरा, मैं बाहर ही बैठी हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर देते हैं। शाम के टाइम वैसे भी मैं कुछ शूट नहीं करती हूँ, सब लोग घर पे रहते हैं तो सबसे बातें चीते, सबसे घुलना मिलना, वैसे भी दिन भर ब्लॉग 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 में ही रहते हैं। तो शाम के टाइम कम से कम परिवार में थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ शाम के टाइम शूटिंग करने की, खाना पीना भी जल्दी हो जाता है। और शाम को ऐसा एक टाइम होना चाहिए जब हम पूरे परिवार के साथ बैठ के घुल मिल के खाना पीना खाएं, सबसे बातें करें, अपना राय परामर्श सबसे शेयर करें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उस टाइम पे कैमरा नहीं उठाती हूँ क्योंकि सब लोग खाते पीते हैं, सब लोग अपनी बातें करते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि यहाँ पर नहीं शेयर करने वाली होती हैं, नहीं बताने लायक होती हैं, तो इसलिए भी मैं नहीं शूट करती हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।